पुण्यतिथि पर कवियों ने दी साहित्यकार स्वर्गीय शंभुदयाल भट्ट शमन को श्रद्धांजलि। पिछोर की माटी में पले साहित्यकार स्वर्गीय शंभुदयाल भट्ट शमन की 28वीं पुण्यतिथि मनाते हुए पिछोर के समाज सेवी संस्था मातृभूमि जन कल्याण सेवा समिति साहित्यकार परिषद ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें काव्य गोष्ठी का आयोजन श्री टेकरी सरकार गौशाला प्रांगण में रखा गया, जिसमें पिछोर के साहित्यकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि पूर्व प्राचार्य राजकुमार पाठक और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्राचार्य महेश पंसारी और विशेष अतिथि ब्रजेश निखरानी दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद माँ सरस्वती वंदन का गायन डॉक्टर परवीन महमूद ने किया। इसके बाद उपस्थित कवियों ने अपनी एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की। सर्वप्रथम शमन के बड़े बेटे सत्येंद्र राज भट्ट ने अपनी पिता की रचनाएं कुंठाओं के नाम हो गई यूं ही तमाम उम्र हो गई का वाचन किया। वहीं वर्तमान महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी रचनाएं उतारो हाथ से चूड़ी अब हमें इज्जत बचानी है कविता शायरा बानो ने सुनाई। वहीं रुचि पाठक ने टेकरी टेक राखो हमारी गीत सुनाकर उपस्थित श्रोताओं की तालियां बटोरी। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सभी कवियों ने एक से बढ़कर एक रचनाओं का पाठ किया। कार्यक्रम में जगदम्बा प्रसाद चौबे, राम साहेब पाठक, राजेंद्र बुंदेला, देवदास पड़िरिया, ज्योति त्रिपाठी, श्रीमती पद्मा पंसारी, सौरभ भट्ट, मोहन भट्ट, राजेश शर्मा, राम साहेब पाठक, पत्रकार अभिषेक चौहान सहित पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में रजनीश तिवारी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट।